वेलकम बैक। आज हम कलर फिलिंग करने वाले हैं शिव जी की इस ड्राइंग की। आउटलाइन ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोड है, आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम इस अप्सरा की ऑयल पेस्टल का यूज़ करके हम ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि डोम्स और अप्सरा में दोनों कौन सा स्मूथ टेक्सचर देता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेस लेयर अप्लाई करेंगे और जो हाईलाइटेड एरिया है उसे हम छोड़ते चलेंगे। बाद में हाईलाइटेड एरिया को हम वाइट ऑयल पेस्टल से फिल करेंगे और स्मज करने के लिए हम ईयरबड यूज करेंगे। तो एट द एंड मोस्टली हमें देखने को मिला कि डोम्स की कलर पेंसिल काफ़ी स्मूथ टेक्सचर और देता है और अप्सरा की थोड़ी सी रफनेस रहती है। इसमें स्मूथ करना, थोड़ा सा ब्लेंड करना टफ हो जाता है। तो आई प्रीफर कि आप भी डोम्स की ऑयल पेस्टल करें। अप्सरा का थोड़ा सा बिगनर्स के लिए टफ हो जाता है ड्रॉ करना, क्योंकि इसमें टेक्सचर बहुत ज़्यादा आते हैं और स्मूथ ब्लेंड करने पे स्मूथ टेक्सचर नहीं मिल पाता। प्राइसिंग दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, तो आप डोम्स के को प्रीफर कर सकते हैं ऑयल पेस्टल के लिए, क्योंकि ये काफ़ी स्मूथ टेक्सचर देता है जब आप कॉटन बर्ड का यूज कीजिएगा। ये हमारा पार्ट सेकेंड होगा जिसमें कि हम शिव जी को ड्रॉ करेंगे और इसके सेकेंड पार्ट हम अपलोड करेंगे इसके जस्ट बाद, जिसमें कि हम उनके गाय को भी कलर फिलिंग करेंगे। तो इंड तक वीडियो देखिएगा और हर एक स्टेप को आप फॉलो कीजिएगा ताकि आप भी इजीली सिमिलर कलर फिलिंग कर सकें।
तो फाइनली ये यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसकी सेकंड पार्ट जस्ट हम अपलोड करेंगे, जिसमें कि बाकी के पार्ट्स को कवर करेंगे और हर एक डिटेल को आपको बताते चलेंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।